सीआईडी सीरियल देखकर रायबरेली में एक युवक ने अपने अपहरण की कहानी रच डाली। युवक ने अपने फूल प्रूफ ड्रामे से पुलिस को भी चकर घिन्नी बना दिया। हालांकि युवक की एक गलती से पुलिस का माथा ठनका और वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। यहां संत रविदास नगर का रहने वाला गोविंद दुबे सिविल लाइंस में पान की दुकान लगाता है। दो दिन पहले दुकान की बिक्री का लगभग 20,000 रुपया उससे कहीं गिर गया। रुपए गुम होने पर गोविंद डर गया कि अब वो परिजनों को क्या जवाब देगा। तभी उसने सीआईडी सीरियल देखने के दौरान मिले आईडीए का इस्तेमाल करते हुए खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। पुलिस अपहरण की घटना से चौकन्नी हुई और उस पर काम करना शुरू किया तो गोविंद की लोकेशन प्रयागराज में मिली। पुलिस प्रयागराज से गोविंद को बरामद कर रायबरेली लाई और पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि खोए हुए पैसों के चलते उसे परिजन डांट मार सकते थे, इसलिए उसने खुद के अपहरण की साजिश रची। गोविंद ने बताया कि सच घटना सच्ची लगे, इसलिए उसने मुंह बांधकर खुद की फोटो भी व्हाट्सएप की। उसने कहा फिरौती की रकम 40,000 रुपए इसलिए मांगी गई ताकि पैसे मिलने पर 20,000 खोए हुए वापस करने के बाद अपहरण के नाटक के दौरान हुए खर्च की भरपाई भी हो सके। पुलिस ने गोविंद को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। S7 के लिए नीरज श्रीवास्तव व अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। 14 अगस्त की रात पे गोपाल दुबे द्वारा थाने पर कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई। उनके भाई गोविंद दुबे का किसी ने अपहरण कर लिया है। फिरौती की मांग की जा रही है और लगातार व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा जा रहा है कि उसको मारा पीटा जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। उक्त सूचना पर कोतवाली नगर में तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ। मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की गई, टीमें गठित की गई। प्रयागराज में जाकर के अपराध बरामद हुआ, लेकिन जब बरामद हुआ तो जो पूरी कहानी थी वो संदेहास्पद पहले से लग रही थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद दुबे जो तथाकथित अपराध था उससे कुछ पैसा गिर गया था, तो घर वाले उसे डांटे ना, इसलिए उसने अपने अपहरण की स्वयं साजिश रची थी। और इस तरह से उसने पूरा अपने फ़ोन से फ़ोन कॉल कर रहा था, यहाँ तक कि उसने एक फ़ोटो भी व्हाट्सएप करी थी जिसमें उसका मुंह बंधा हुआ था। तो उसने बताया पूछताछ में कि वो सीआईडी सीरियल देखता है, उससे उसके दिमाग में पूरा आइडिया आया और उसी के अनुसार उसने अपने कथानक को आगे बढ़ाया और इस तरह एक झूठी कहानी रची। फिलहाल उसके विरुद्ध आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।